बंगाल में चुनावी तापमान सिर चढ़कर बोल रहा है। 20 मई को पांचवें चरण के मतदान के बाद छठे चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के खंड खंड हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी को कड़ा संदेश दिया। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की 30 सीटें जैसे ही भाजपा की झोली में आएंगी, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार की विदाई हो जाएगी, उनकी पार्टी खंड खंड हो जाएगी और उनकी सरकार भी चली जाएगी। अमित शाह ने दावा किया कि 5 चरणों के चुनाव में भाजपा 310 सीटें जीत चुकी है और इंडिया का सूपड़ा साफ हो चुका है। हमारे वरिष्ठ नेता जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, श्रीमान शिशिर अधिकारी जी बंगाल में प्रतिपक्ष के नेता और मेरे मित्र श्री शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे युवा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। ममता दीदी का इंडी अलायंस, उनका सुपड़ा साफ हो गया है साफ। ममता जी हार से जबरदस्त डरी हुई। कल मैं जैसे ही लैंड हुआ एक SMS मिला कि अपने शुभेंदु दा के घर पर पुलिस ने रेड करी है, रेड। अरे ममता दीदी, हम भाजपा वाले हैं, आपकी पुलिस से नहीं डरते, आपके मंत्रियों के यहाँ से रेड हुई, 51 करोड़ रुपया मिला और शुभेंदु के घर पर रेड हुई, चार आना भी ममता दीदी को नहीं मिला, चार आना। हम नहीं डरते हैं ममता दीदी, आज मैं कांठी में कह कर जाता हूँ, पुलिस का दुरुपयोग बंद कर दो, वरना बंगाल की जनता जो एका दो चार सीटें भी लेने वाली है वो भी चली जाएगी, वो भी। ममता दीदी शुभेंदु पर जितना अत्याचार करेगी, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु जी को इतना ही बड़ा आदमी बनाएगी। ये माफियाओं को चुन चुन कर, माफियाओं को चुन चुन कर उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।